दोस्तों, ये जो दुनिया है ये आपको अपने हिसाब से लेबल देगी, अलग अलग टैग लाइन्स देगी और यही चाहेगी कि आप हमेशा दुनिया के हिसाब से ही जिए, और आपको मजबूर भी करेगी। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपको विशाल समुंदर बन जाना है, समुंदर जो कि अपनी मौज में बहता रहता है, उसे किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो समंदर है वो अपनी इतनी मस्ती में बह रहा है कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं वो सुनता भी नहीं है, क्योंकि लोग समंदर को भी नहीं छोड़ते हैं, उसके बारे में भी बहुत तरह की बातें करते हैं। जैसा जिसका एक्सपीरियंस है वो वैसा ही बोल देता है। एक बार एक बच्चे की चप्पल समंदर की लहरों में खो गई। उसने गुस्से में आकर, नाराज होकर समुद्र के किनारे रेत पर लिख दिया, समंदर चोर है। थोड़ी दूर पर एक बुजुर्ग आदमी जिसकी झुकी हुई कमर थी, वो झुकी हुई कमर से समुद्र किनारे टहल रहे थे। उनको किनारे पर ही एक बहुत कीमती मोती सीप के साथ मिला, तो उन्होंने रेत पर लिख दिया, समंदर दानी है। एक तरफ एक माँ जिसका बेटा समंदर में गिरकर मर गया था, डूब गया था, उस दुखी माँ ने समंदर के किनारे रेत पर लिख दिया, समंदर हत्यारा है। उसका दर्द झलक रहा था। लेकिन एक और जगह पर मछुआरे जिन्होंने उस दिन बहुत सारी मछलियां पकड़ ली थी, वो बहुत खुश थे। उन्होंने भी रेत पर लिखा, समंदर दानी है, समंदर मेरा पालनहार है। थोड़ी देर बाद ही समंदर में एक बहुत बड़ी लहर आती है और सब चीजों को धोकर वापस चली जाती है। समुद्र ऐसे ही बहता रहता है, अपनी मर्यादा में, अपनी लहरों में, अपनी खुशी में। उसे किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर समुद्र भी इन बातों पर फर्क पाने लगे, अपने दिल से लगाने लगे, तो शायद इतना विशाल समंदर भी सूख जाएगा। जो विशाल समंदर में इतनी बड़ी बड़ी लहरें जो समंदर की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं, वो भी शायद सदमे में आकर रुक जाएंगी, और जो समंदर की नेचुरल सुंदरता है वो भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसे ही आप भी समंदर की तरह से मस्त रहते हैं तो भी आप भी अपनी उम्र से ज्यादा जवान लग सकते हैं, सुंदर लग सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर कोई भी चीज जमी नहीं हुई है, कोई ग्लानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन बातों से विचलित हो रहे हैं या उन बातों को लेट गो कर आगे मूव कर रहे हैं।